जिसे तू जीत समझ रही है ना, कि जीत नहीं सिर्फ जीत का भ्रम है। अभी तो सिर्फ लड़ाई शुरू हुई है, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तू किससे उलझ रही है। नींद नहीं आ रही है, उस आदमी की बात दिमाग में घूम रही है। एक बार जाके बच्चों को और चाचा चाची को चेक कर लेती हूँ, सब लोग ठीक तो है ना। अरे मैत्री बेटा। जी चाचा जी, मैं पानी पीने आई थी, वो दरवाजा खुला देखा तो मैं यहाँ आ गई। सारे खिड़की और दरवाजे एक बार चेक कर रही थी, मौसम खराब हो रहा है ना। आप सो जाइए, गुड नाइट। वेदिका भी यहाँ अच्छे से सो रही है। कोई नहीं है तो फिर डोरबेल किसने बजाया? बाहर जाके देखती हूँ।
आसपास भी कोई नहीं दिख रहा। इतनी रात को दरवाजे पे कौन था? कोई नहीं था हर्ष। वो मुझे लगता है शायद कोई शरारत कर रहा था, बेल बजा के भाग गया होगा। रुको मैं देखता। हर्ष रुको, मेरा मतलब है आधी रात को हमारे मोहल्ले में बहुत चोर चक्के घूमते हैं। क्यों रिस्क लेना है, हो गया ना अभी। ठीक है, लेकिन तुम इतनी आधी रात में क्यों ठहल रही हो? चलो सोते हैं। शुभ रात्रि मैत्री जी, आपने कुर्सी की पेटी नहीं बांधी और अब मौसम बिगड़ना शुरू हो चुका है। अब बचा सको तो बचा लो अपने परिवार को। आज कोई स्कूल नहीं जाएगा। अरे आज मेरी तरफ से सबकी छुट्टी। इतने दिनों बाद हमें इतना वक्त मिला है भाई, आज तो मैं अपने बेबीज के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। ओके मैत्री बेटा, बेटा हम मंदिर जा रहे हैं। चाची जी मौसम देखिए ना, रास्ते भी खराब है और आपको ट्रैफिक भी बहुत मिलेगा। आज पूजा घर पे ही कर लीजिए। ठीक है बेटा। मैत्री पक्का सब कुछ ठीक है ना? कल रात से तुम थोड़ी बदली बदली सी लग रही हो। नहीं हर्ष सब ठीक है। पिछली बार की तरह खुद को किसी खतरे में तो नहीं डाल दे? हाँ बाबा, वो बस पापा ने कहा था ना, वो आदमी जब तक पकड़ा ना जाए हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा, बस इसीलिए। पापा, उस आदमी की कोई खबर मिली? नहीं बेटा, उसका नंबर अभी तक ट्रेस नहीं हुआ। वो अपना नंबर बार बार बदल लेता है। बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी लगता है बेटा वो। तू और परिवार अपना ध्यान रखना, सावधान रहना। पापा, कल उसका मैसेज आया था। ठीक है बेटा, मैं उसका नंबर ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। बस एक बार उसका नंबर चालू हो जाए ना तो हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो अपना ख्याल रखना। ठीक हो ना तुम लोग? हाँ मम्मा, हम लोग ठीक है। हाँ हमें नहीं लगी। हाँ अरे रे 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 रे, क्या है ना, तीरंदाजी की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो गई, इसलिए निशाना चूक गया, वरना तो आज छोटी वाली एकदम गई थी काम से। क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ,
बस इतना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ जो कंप्लेंट की है ना उसे वापस ले लो और अपने बाप से कहो कि मेरे पीछे से पुलिस को हटा दे। एक बार खतरा मेरे ऊपर से हट गया ना तो तुम्हारे परिवार के ऊपर से भी खतरा हटा दूंगा। अगर मुझे सजा मिली या एक भी खरोंच आई तो तू और तेरा पूरा परिवार भगवान के लिए प्यारा हो जाएगा। इसलिए डरो, डरना शहद के लिए अच्छा होता है, समझी? किसका फोन था मैत्री? ये बच्चे इतने डरे हुए क्यों थे? बोलो मैत्री, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? अपने पति से तकलीफ शेयर नहीं करोगी तो और किससे करोगी? हर्ष, इतना सब कुछ हो गया तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हर्ष, तुम हटो, मैं आग बुझाता हूं। हर्ष, हर्ष तुम्हें भी लग जाएगी। हर्ष, हर्ष रुको। असली आग तो अभी बाकी है। एक ऐसी आग जिसमें तुम्हारा पूरा परिवार जलकर खाक हो जाएगा। मेरा आखिरी बार और तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद। वेट फॉर माई सरप्राइज। देखो, मैं अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेने वाली। तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो, और मैं अपने परिवार पे आज भी नहीं आने दूंगी। बस बहुत हुआ मैत्री, कोई जरूरत नहीं है खतरों से खेलने की। अभी की अभी अपनी कंप्लेंट वापस लो और खत्म करो ये किस्सा। हर्ष, पर बार कुछ नहीं मैत्री, तुमने देखा नहीं वो इंसान क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है? हम हमारे घर में सेफ नहीं है। मैं पापा को फोन कर रहा हूँ तुम। हर्ष रुको, हर्ष बात सिर्फ हमारी नहीं है, न जाने कितनी जिंदगियां दांव पर लगी है इस आदमी की वजह से। इसे रोकना बहुत जरूरी है हर्ष। मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेने वाली। और हमारी फैमिली का क्या मैत्री, उसकी सेफ्टी का क्या? कुछ नहीं होगा हर्ष, हम दोनों हैं ना, हम दोनों मिलके प्रोटेक्ट करेंगे उन्हें। इस लड़ाई में मुझे सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका मैत्री, तुम्हारे इस पागलपन को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। हर्ष, इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और गोली चल जाए। हर्ष,
बहुत गुस्से में था हर्ष, मुझे उससे बात करनी होगी। हर्ष, हर्ष, कहीं गुस्से में बाहर तो नहीं चला गया? ये तो बस एक छोटी सी चिंगारी है, असली आग तो अभी बाकी है। वेट फॉर माई सरप्राइज। तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। फोन भी नहीं उठा रहा। दरवाजा बंद है। अगर बाहर गया है तो फिर दरवाजा कैसे बंद है? और फिर बाकी लोग तो अपने अपने कमरों में। इसका मतलब घर में कोई। यहां भी नहीं है तो फिर डोर किसने बंद किया? वन टू थ्री फोर, चार बच्चे मतलब चार गोलियां। हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे बच्चे, थोड़ी ही देर में धूम। नंदिश, क्यों चिल्लाए बेटा? मम्मा, मुझे लगा कि कोई हमारे कमरे में झांक रहा था। अरे बाबा, मैं ही थी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम रिलैक्स करो, स्वयं जूही और वेदू का ध्यान रखो। ओके, मैं अभी आती हूँ। अरे कुसुम जी, आपने वो किताब कहाँ रख दी जो हम कल लाए थे? अच्छे से देखिए, उधर ही रखी हुई है। अरे आप ना साफ सफाई के बहाने सारी चीजें आड़ी टेढ़ी कर देती हैं। हाँ, मैं सब ढंग से रखती हूँ। मिल गई, मिल गई। एक बुड्ढा एक बुड्ढी, दो मेंबर, दो गोलियां, चार बच्चे और एक मैत्री, सात गोलियां, सात शिकार
और पूरा खत्म हो जाएगा मैत्री का परिवार। मैत्री बेटा, बाहर क्यों खड़ी है बेटा, अंदर आ। तो चुपके से ये देख रही है कि हमने खाने के बाद मेडिसिन ली कि नहीं, है ना? ये देख, अभी ले ही रहे हैं। जल्दी से। ये देख, हमने दवाई खा ली, अब तो अंदर आ जा। ये बाहर क्यों खड़ी है, अंदर क्यों नहीं आ रही? मैत्री, मैत्री बेटा अंदर आ जाना। कब से बुला रहे तुझे, अंदर क्यों नहीं आ रही? मैं तो अभी आई यहाँ, फिर चाची जी ने किसे देखा? नंदिश ने भी कहा कि कोई था, कहीं कोई घुस तो नहीं आया हमारे घर में? चाची जी, मैं तो अभी आई, आपने किसी को देखा क्या? किसी को? तू ही थी ना बेटा? हाँ, मैं ही थी। एक्चुअली मैं आप लोगों से पूछने आई थी कि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अच्छा, आप लोग अपना ख्याल रखना। हाँ मैत्री बेटा, सब ठीक तो है? परेशान लग रही है। हाँ 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 चाचा जी, सब ठीक है, बस हर्ष को लेके परेशान थी। आपने देखा क्या उसे कहीं? नहीं मैंने, हाँ वो खिड़की में से उसे देखा था कहीं गाड़ी लेके बाहर जाते हुए। क्यों, तुम्हें बता के नहीं क्या? हाँ, नहीं बताया था उसने, मैं फोन कर लूंगी। कोई तो घुसा है घर में, घर वालों पर नजर भी रख रहा है। मुझे पता लगाना होगा कि कौन है ये घुसपैठिया और क्या चाहिए उसे। बड़े क्यूट बच्चे हैं तुम्हारे, चार गोली बच्चों के लिए और दो गोली बुढ़ा बुढ़िया के लिए निकाली है। उल्टी गिनती शुरू कर दो मैत्री, मैं तुम्हारे ऊपर एक भी गोली बर्बाद नहीं करूंगा। तुम्हें अपने हाथों से तड़पा तड़पा के मारूंगा। देखो, मेरे घर वालों को इस सब में मत घसीटो। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना, तो अगर हिम्मत है ना तो सामने आके लड़ो।